कोटा जिले के खातोली क्षेत्र में पिछले कई महीनों से जाने कितनी ही चांदी, सोने के जेवरात, नकदी रुपए, मोटरसाइकिलें और बिजली ट्रांसफार्मर की चोरियां हो चुकी है, परंतु उन चोरों तक पहुंचने में लाचार दिखता हुआ नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन। पीड़ित राम भरत पुत्र नागाराम गुर्जर निवासी आशीदा ने बताया कि आशीदा, बेरवा के टापू पर मैंने कुछ दिनों पहले ही पक्के कमरे लिए थे। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी, सुबह उठकर शौच करने के लिए नहाने धोने के लिए गाँव में आ गई, जिसके बाद मेरे आशीदा बेरवा के टापरों पर मेरी माँ वापस आ गई तो आगे से गेट खोलने का प्रयास किया, परंतु चोरों द्वारा अंदर की कुंडी लगा रखी थी। उसके थी मकान के बगल में जाकर देखा तो मकान की अलमारी में छेदकर के लोहे का बक्सा खुला हुआ नजर आया। उसके बाद टूटी हुई अलमारी से उसमें अंदर भेजकर गेट की कुंडी खुलवाई और कहीं पर रखे मेरे चांदी के 500 ग्राम पायजेब कनकती, 500 ग्राम हथफूल, 400 ग्राम बच्चों की चांदी कडुलिया और चांदी की चेन एवं 15,000 रुपए, 5 कपड़े की ओढ़नी निकाल कर ले गए चोर, जिसकी आज मेरे द्वारा पुलिस थाना खतौली में रिपोर्ट दर्ज करवा कर आया। क्या क्या निकला इसमें? इसमें कनकती, पायजम और अथफूल और बच्चा बच्ची का पहुंची दो और 15,000 रुपये नकद दिया। अच्छा, तो 7-8 मोगला था। ये रात में कितने बजे की बात है? रात को तो पता नहीं, रात में तो सुबह 10 बजे देखा। अच्छा, पानी पैसा आया था। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं तुम्हारे यहाँ? मैं, मम्मी और पापा। जब मम्मी ही यहाँ, पापा पहले गाँव था। अच्छा, ये गांव कौन सा है? ये बेरवा टापरा आशीदा। और तहसील? पीपलदा। जिला? कोटा। कोटा। तो रात में करीबन की बात है ये पीछे से ताक वाक तोड़ होगा, कम से कम 2-1 लाख का नुकसान। 2 लाख का नुकसान। तो आपको कोई पता नहीं लगा? पता नहीं लगा अभी तो कुछ भी। कोई आड़ोसी पाड़ोसी कोई हरकत कर सकते हैं? और कोई कौन मोगियान के अलावा? क्या तुम हो गया क्यों को आदमी? ये दारू पीने वाले भी कर सकते हैं हरकत? पता क्या है, तो फिर रोड पे टहलने वाले, दारू पीने वाले, पता क्या, हम तो कोई भी कौन दे गया, हम तो मोगिया से रोजगार लोगड़ा से इतना ले गया। कभी पहले थोड़ी हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। चलो।